मजा जी, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो हमने उत्तर प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम करेंगे। जिस अतीक अहमद के समर्थन में समाजवादी पार्टी और तमाम लोग खड़े हैं, अगर उनको पता हो तो 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई, जमींदोज की गई या सरकार ने उसको कब्जे में लिया है। जो दुर्दांत घटना हुई है उस घटना के आपको बता दें मनीष जी, उत्तर अतीक प्रदेश अहमद में जब आपके सरकार में अपराधियों देवरिया में जेल में बंद था तो लखनऊ से लायक करवा करके देवरिया जेल में मंगवा करके लोगों को पीट करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करता था, तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उसी अतीक अहमद के लोग पीडीए की कार्रवाई है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दे रहे हैं, तब भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से शोर मचा के कब तक अपना ढोल बजाते रहेंगे, जनता को कब तक इस तरह से बनाते शोर रहेंगे मचाकर कि हम लोग ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, कब तक समाजवादी पार्टी के पीछे छिपते रहेंगे आप? 6 साल हो गए आपको, अतीक अहमद आपको उत्तर प्रदेश में नहीं संभल रहा, आप उसको अहमदाबाद भेजे, अहमदाबाद से भी नहीं संभल रहा, तो कहीं ना कहीं आपके सरकार का कोई मंत्री। पांडे जी एक सेकंड, पहली बात तो एक सेकंड, इस प्रकार की दुर्दांत। पांडे जी, पहली बात तो ये पहली बार नहीं है कि अतीक अहमद के ऊपर सरकार की कोई कार्रवाई हो रही है। 2020 में भी जो उनका घर था उसको गिराया गया था। अभी भी जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कह रही है कि 20 ऐसी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज सिर्फ शुरुआत, पूरी बात कर दीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, आप ये बताइए 6 साल से क्या कर रहे थे? 6 साल से वो, अरे मैंने अभी तो आपको बताया कि सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में अतीक अहमद का घर तोड़ा गया था प्रयागराज में, जेल में से आतंक फैला रहा था। आज वो अहमदाबाद अगर बैठा, अहमदाबाद से आतंक फैला रहा, तो ये लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 6 साल हो गए आपको मेंटेन करते करते। अच्छा बताइए मनीष शुक्ला, पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आप गाड़ी पलटने की बात क्यों कर रहे हैं, दूसरी बात का जवाब दीजिए कि आप इतने सालों तक क्यों रुके हुए थे। अरे ये फर्जी बातें हैं, जब इनके पास कोई, अच्छा ठीक है सर, मौका तो दीजिए तभी तो वो बात बताएंगे। फर्जी बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है गाड़ी पलट देंगे, कोई कह रहा है घर गिरा देंगे। अरे एक सेकंड मनीष शुक्ला, ये दर्द बहुत पया कर रहा है। सदन में अखिलेश यादव जिस तरह इंटरप्ट कर रहे थे और चैनल पे जिस तरीके से दीपक पांडे इंटरप्ट कर रहे हैं, ये दर्द काफी है बताने को उत्तर प्रदेश की जनता से कि अतीक और अशरफ सिंह के क्या संबंध है। मैं फिर बता रहा हूँ, पीडीए की कार्रवाई है, मकान अवैध था और जो सूत्र कहते हैं कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी, तो बेनामी संपत्ति को बचाने के लिए अगर अखिलेश जी को इतना दर्द है, जाके उसके सामने आंदोलन कर, ये भी एक दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता देख ले। लेकिन मैं इस बात को क्लियर एंड लाउड कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कोई कानून से खेलेगा, कानून को हाथ में लेगा, तो विधिक दायरे में रहते हुए जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उतनी कठोर कार्रवाई हम करेंगे, चूंकि